हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। देखिए, इस सीरीज़ में ना हम लोग क्या करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 MCQs को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये वाली जो वीडियो है, इसमें हमने 1 से 3 जून तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसमें से जो भी हमारा सिलेबस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 MCQs यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये तो पता चलता ही है। प्लस ये भी पता चलता है कि एग्ज़ामिनर किस तरह के MCQs यानी क्वेश्चंस को सेट करेगा आपके एग्ज़ाम में लाने के लिए। क्योंकि ये जो न्यूज़ और ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा एक ज़रिया है जिसमें से कि एग्ज़ामिनर हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही न्यूज़ और करंट अफेयर्स में से जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसमें से जो स्टैटिक पार्ट लिया जाता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर हमारा बनाया जाता है। तो बस इस वीडियो में हमारा एक छोटा सा प्रयास यही है कि हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको करा सकें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो हमारी सीरीज़ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा एंड तक सुने, क्योंकि ये जो वीडियो है, इसमें जो हमने MCQs डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सेशन है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उनका स्टैटिक पार्ट देखेंगे और उनके से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन इज लॉन्च बाय। ठीक है, तो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट, यहाँ पर क्या पूछा है, दुनिया का पहला रॉकेट पूछा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो, यहाँ पर रॉकेट की बात हुई है, ठीक है, यानी रॉकेट की बात हुई, लेकिन कैसा रॉकेट है, यह है 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है कि 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अब दुनिया का पहला है, तो ये किसने बनाया है, किसने लॉन्च करा है, अग्निकुल, अग्निवीर, अग्निशक्ति या फिर अग्नि त्रिशूल। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है अग्निकुल। अब देखो, खबर क्या थी, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि दुनिया का पहला, ठीक है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट, पूरे विश्व का पहला रॉकेट जो कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया है, 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज़ करी गई है। अब देखो, इंजन भी, जो इंजन है वो भी हमने 3D टेक्नोलॉजी से बना लिया है। तो देखो, न्यूज़ तो बहुत बड़ी है और ऐसे ही न्यूज़ पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो किसने बनाया है, तो ये बनाया है एक चेन्नई बेस्ड हेड क्वार्टर एक कंपनी है, स्टार्टअप है, नया नया स्टार्टअप है, और उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इसने जो रॉकेट बनाया है, इस कंपनी ने जो रॉकेट बनाया है, उसका नाम है अग्निबाण। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, ये है अग्निबाण सब ऑर्बिटल। ठीक है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटर। देखो, ये पूछा जा सकता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SORTED ऐसे करके है ये, ठीक है, SORTED। तो ये चीज़ आपसे पूछ लिया जा सकती है कि ये चीज़ क्या है। तो बस ये रॉकेट का नाम है ये, और कंपनी कौन सी है, जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, ये है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन IAS PCS SSC मतलब किसी भी, अब आपको पता भी होगा कि ये जो एग्जामिनर जो है, अपने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको नोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, देखो, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उनके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी
कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। एक है GS MCQs की, ये तो वही है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 8 MCQs डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारी Polity MCQs की, यहाँ पर हम लोग हर वीडियो में 10 MCQs हमने डिस्कस कर रखे हैं और कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप उनको जाइए और उनका फ़ायदा उठाइए, देखिए, ठीक है। अच्छा, अगली है हमारी NCERT MCQs की और NCERT डिटेल्ड एनालिसिस की, यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? फुल चैप्टर पढ़ाते हैं। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो MCQs इस वाली वीडियो में हम लोग बनाते हैं। और यहाँ हमने 6th क्लास 7th क्लास कंप्लीट कर ली है, इसके सारे डिटेल्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, सारे MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी हम लोग 8th क्लास पर हैं, ठीक है। और पहला टारगेट हमारा अभी ज्योग्राफी यानी भूगोल चल रहा है, और ये एकदम फ्री है। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं, आपको खुद से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल फ्री है, कोई फीस चार्जेस नहीं है जैसे और यूट्यूब चैनल्स वगैरह लेते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेते हैं बहुत सारे, हमारा यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाइए। अच्छा, नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की, यहाँ पर हम लोग 5 MCQs करवाते हैं। ये ट्रिक्स से ही करवाए जाते हैं कि आपको जो है याद करना ज़्यादा कठिन नहीं रहता, बहुत ही आसानी से आप याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की, यहाँ पर हम पूरे मंथ में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी मई महीने की जो मई का जो मंथ है, यहाँ पर हमने 61 लाइनर में पूरे मंथ को कवर किया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी न्यूज़ को हमने यहाँ पर जो है कंपाइलेशन आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी मेंस टॉपिक्स की, यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए जो कि शुरुआत से ही मेंस की आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके लिए जो मेंस टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मेंस टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको डिस्कस करा जाता है। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए, और एक और है हमारा कि यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट वीडियोज़ बना रखी हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, और यहाँ पर फुल कंसेप्ट को क्लियर करा जाता है। तो ये सारी की सारी जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, एकदम फ्री है, आप जाइए चैनल में और देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी अवार्डेड द UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, न्यूज़ है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर है मेजर राधिका सेन, मेजर रीना सेन, या फिर मेजर रिया सैनी। तो इसका सही आंसर है मेजर राधिका सेन, ठीक है। अब देखो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि अभी फ़िलहाल में कि ये हमारे देश की ही हैं राधिका सेन जो हैं, मेजर राधिका सेन को, ठीक है, इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का अवार्ड इन्हें मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, हमारे देश की हैं, लेडीज़ हैं, तो जहाँ पर भी वुमेन वाली बात आ जाती है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो इनको अवार्ड दिया है, ये इनको यूनाइटेड नेशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, है ना। तो देखो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो इन्होंने ही दिया है। और इसका अगला पॉइंट ये है कि मई 30 को दिया है, और 30 मई को क्या मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, ठीक है। पीस कीपर का क्या मतलब है, जो कि शांति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ भी युद्ध वगैरह की स्थिति होती है वहाँ पर शांति बनाए रखते हैं। तो अब ये मेजर जो राधिका सेन है, इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एक सोल्जर है रियलिटी में, ठीक है। तो ये सोल्जर है, ये जो युगांडा है ना उसके अंदर तैनात थी, वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति में इन्होंने जो है 10 मेल सोल्जर्स की पूरी टीम को, ठीक है, सॉरी 20 वुमेन सोल्जर और प्लस 10 मेल सोल्जर की पूरी टीम को इन्होंने लीड किया है वहाँ पर अच्छे से,
ठीक है। और वहाँ पर जो भी, जैसे बहुत सारे लोग खो गए हैं, डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, है ना, और जो वुमेंस की आवाज़ है उन्होंने ये उठाई है, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, है ना। और जहाँ पर जो भी वार कन्फ्लिक्ट जोन्स जो होते हैं ना, जहाँ पर युद्ध रहता है, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर तैनात थी? ये तैनात थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब वो कहाँ पर है? तो वो है जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है ना, वहाँ पर। देखिए ऐसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो इधर की तरफ पड़ेगा, ठीक है। कौन सा है ये? ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो ये यहाँ पर थी, तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये यहाँ पर थी। यहाँ पर जो भी इन्होंने जो अच्छे काम किए उनके लिए यहाँ पर उन्हें अवार्ड दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इज़ इंक्लूड इन इंडियाज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करता है? क्योंकि भारत का क्या है, एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फॉरेन करेंसी असेट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, या फिर फॉरेन करेंसी असेट, है ना। सेकंड है गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई, और तीसरा है एसडीआर यानी विदेशी मुद्रा की अस्थियाँ, आरबीआई का स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण अधिकार। तीसरा है फॉरेन करेंसी असेट्स, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एनएसडीआर, ठीक है, विदेशी मुद्रा अस्थियाँ, विश्व बैंक से ऋण या विशेष आहरण अधिकार। और चौथा ऑप्शन है हमारा, एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। चौथा ऑप्शन है हमारा फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई, ये लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक यानी विदेशी मुद्रा की अस्थियाँ, आरबीआई का स्वर्ण भंडार और विदेशी बैंक से ऋण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस किस से मिलकर बनता है, ठीक है ना। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस किस से मिलकर बनता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा, ये आएगा फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई, और एक है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है किसी भी देश का, वो हमारा चार चीज़ों से मिलके बनता है। चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो आता है कि उसका फॉरेन करेंसी असेट कितना है, ठीक है ना, उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी के असेट हैं उसके पास। दूसरा आता है कि उसके पास कितना गोल्ड है यानी कितना सोना है उसके पास। तीसरा आता है कि उसके पास एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट जो हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, विशेष आहरण अधिकार कितना है उसके पास, एक पॉइंट ये आता है। और चौथा ये आता है कि आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन क्या है, ठीक है ना, आईएमएफ में उसकी उस देश की पोजीशन क्या है। तो ये चार चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इन्हीं चारों में से यहाँ तीन ऑप्शन देकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये तीन चीज़ें कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखो बाकी जो ऑप्शन है वो आप कैसे काटोगे, यहाँ पर लोन दे रखा है। लोन का कोई मतलब नहीं होता कि आपके वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी भूमिका निभाए, ठीक है ना। तो यहाँ के जो बाकी सारे ऑप्शन हैं वो लोन देखते ही हम लोग काट देंगे, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा जिसमें लोन नहीं है। और इन चारों में से कोई भी तीन यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो क्या थी ये भी देख लेते हैं। तो देखिए न्यूज़ ये थी कि जो हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, 100 टन ऑफ गोल्ड जो है वो वापस ला रहा है, ठीक है। क्या ला रहा है? 100 टन गोल्ड कहाँ से ला रहा है? यूनाइटेड किंगडम से। इंडिया ने अपना सोना यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। तो बस वही यही खबर है कि इंडिया जो है, आरबीआई जो है, वो अपना 100 टन का सोना जो है वो कहाँ से वापस ला रहा है? वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से वापस ला रहा है। वैसे इंडिया के पास अगर कहा जाए तो टोटल 822.1 टन तक का सोना है इंडिया के पास। अब देखो सोना है, तो सोना भी मैंने क्या बताया कि वो
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है ना, क्योंकि एक पार्ट वो भी है सोने का। तो बस ये खबर हमने यहाँ से बनाई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया जो है अगर गोल्ड रिज़र्व में देखें, सारे जो दुनिया के जो देश हैं, बहुत अमीर अमीर देश हैं, उनमें अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो ऐसे करते करते 9वें स्थान पर आता है, ठीक है। और फर्स्ट वाले जो नंबर पर है उस पर आता है अमेरिका। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है, 8000 टन के आसपास सोना है। कितना है? 8133 टन, इतना ज़्यादा सोना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर देखें तो फिर जर्मनी के पास है, थर्ड में अगर देखें तो इटली के पास है, फोर्थ में देखें तो फ्रांस के पास है, ठीक है ना, फिफ्थ में देखें तो फिर रूस के पास है। मतलब ऐसे ही करते करते इंडिया जो है वो 9वें नंबर पर आ जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया सोने वाली स्थिति में कौन से नंबर पर है, तो वो 9वें नंबर पर है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू आईएमडी हीट वेव है क्या? देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हीट वेव क्या है? देखो, हीट वेव क्या है? क्या हीट वेव ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन प्लेन्स में 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति को हीट वेव कहा जाता है। या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी हिल्स की बात हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है, इसको हीट वेव कहा जाता है। या फिर जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र का मतलब है हमारे जो कोस्ट हैं, है ना, उनमें अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, इनमें से किसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं? देखो, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है पूरे उत्तर भारत में, है ना, तो ये क्वेश्चन बनना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है और पूरा उत्तर भारत हीट वेव की चपेट में है। तो अभी जो आसपास आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत संभव है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हमारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो बस हमें ये पता होना चाहिए हीट वेव के बारे में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ये है, सही मतलब सॉरी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ही सही हैं, यहाँ पर तीनों की तीनों सही हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि जो हीट वेव जो होती है ना, हीट वेव को एक्सप्लेन ऐसे नहीं करा गया कि बस हीट वेव ये है, उसको तीन तीन एरियाज़ में, जैसे कि प्लेन्स हो गया, हमारे हिल्स हो गए, है ना, प्लेन्स मतलब मैदानों में देख लिया, और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में देख लिया, और हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं उन सभी में देखा गया है। और फिर जा कर के आईएमडी ने एक डेफिनेशन दी है हीट वेव की, ठीक है। तो प्लेन में मतलब जो मैदानी क्षेत्र हैं हमारे देश के, क्या है हमारे देश के जो मैदानी क्षेत्र, अगर मैदानी क्षेत्रों में 40 या उससे ज़्यादा का तापमान है, ठीक है, तो वहाँ पर उसे क्या कहेंगे? उसे हीट वेव कहेंगे। लेकिन अगर हिल्स में, पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा है, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता होगा ज़्यादा ठंडक रहती है, ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसमें अगर 30 डिग्री भी तापमान पहुंच जाए तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, ठीक है ना, 30 डिग्री या उससे ज़्यादा, तो वो हीट वेव में आ जाती है। इसी तरह से जो कोस्ट के एरिया होते हैं, जैसे कि हमारा देश है यहाँ पर, तो तटीय क्षेत्र यहाँ पर जो स्टेट्स, जो राज्य यहाँ के सीमाओं पर लगेंगे, है ना, उन वो कहाँ पर आ गए? वो हमारे तटीय क्षेत्रों में आ गए। तो वहाँ पर जो कोस्ट वाला एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर अगर 37 डिग्री से ज़्यादा या 37 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाए तो उसको वहाँ के लोग क्या कहते हैं? असहनीय हो जाता है और उसको हीट वेव कहा जाता है। और ये कहा किसने है? ये कहा है आईएमडी ने कहा है, ठीक है ना। तो बस यही हमारी खबर भी थी कि अभी जो हीट वेव चल रही है उनसे 61 यानी कि 61 लोग मर चुके हैं, ठीक है। और कैसे मरे हैं? क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे थे, तो बस वहीं पर जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे ना, जहाँ पे जो पोल करवा रहे थे, पोल देने लोग जा रहे थे, उनमें से 61 लोग मर चुके हैं, ठीक है। 21 लोग वो थे जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे, वहाँ के जो ऑफिसर वगैरह थे, उन्होंने काम करा। तो अब देखो, बड़ी खबर है कि नहीं। तो हीट वेव का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें ये क्वेश्चन जानना होगा और हमें इसको प्रिपेयर भी करना होगा।
ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कलर कोडिंग ऑफ द हीट वेव। अभी हमने हीट वेव देखा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हीट वेव क्या है। अब सेकंड इसमें से क्या बनता है क्वेश्चन, कि कलर कोडिंग के बेसिस पर हीट वेव्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईएमडी के, ये भी आईएमडी ने ही दिया है, उसने रंग की कोडिंग दी है उसके संबंध में गलत है। यहाँ हमें पहले बात ये देखनी है कि गलत कौन सा है, ठीक है ना, मतलब कि इनकरेक्ट कौन सा है हमें ये देखना है। देखो कलर कोडिंग में ना पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं। एक होती है ग्रीन यानी कि हरा रंग, ठीक है, हरा रंग। फिर आता है येलो यानी कि पीला रंग आता है। फिर एक आता है आपका ऑरेंज कलर, संतरी जिसे बोलते हैं, एम्बर जिसे बोलते हैं, और फिर एक आता है रेड कलर, ठीक है। तो बस यहीं पर ऑप्शंस बनाए गए हैं कि ग्रीन कलर अगर है तो क्या इसका मतलब ऑल इज़ वेल है, मतलब ग्रीन अलर्ट अगर जारी हुआ है आईएमडी की तरफ से तो इसका मतलब क्या है कि हालात सामान्य हैं, ठीक है। येलो कलर है इसका मतलब बी अवेयर यानी कि सचेत करना है। ऑरेंज कलर यानी डिजास्टर यानी कि आपदा है। और रेड कलर यानी कि एक्शन ले लीजिए, है ना, ज़रूरी कदम उठाए जाएँ। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत जो है वो ये है हमारा, ऑरेंज कलर में डिज़ास्टर नहीं होता, तो बस ये गलत है। तो आंसर हमारा यही हो गया, ठीक है। तो ग्रीन यानी हरे रंग में हमको ऑल इज़ वेल कहा जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीट वेव ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सामान्य हालात हैं हमारे, तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। और जैसे ही रंग जो आईएमडी की तरफ से येलो कलर जारी करा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन दिया जाता है कि हीट वेव अब बढ़ रही है और हमें अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या बोलते हैं कि हमें सचेत हो जाना चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ऑरेंज कलर का मतलब होता है कि हमें बी प्रिपेयर, यहाँ पर आता है बी प्रिपेयर कि हमें अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक्सट्रीमली बैड वेदर में कहा जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। इसी के अंदर जो है कम्यूट विद रोड और रेल क्लोजर्स एंड इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई, मतलब कि लाइट वाइट का जाना, पावर काटना, है ना, ये सब वाली प्रिपेरेशन करवाई जाती है। और जो लास्ट है रेड कलर, इसका मतलब है अब तो भैया एक्शन ले लो आप, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारी लाइफ है ये एक्सट्रीमली बैड वेदर में करा जाता है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है उसमें बोला जाएगा कि अब रेड कलर की वार्निंग आ चुकी है, एक्शन आपको लेने होंगे। और यहाँ पर लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क बना होता है, ठीक है ना, तब जाकर रेड कलर की वार्निंग दी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑरेंज में डिज़ास्टर नहीं होता, ऑरेंज में बी प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। तो बस ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और आपको ये तो आपको पता ही होगा कि आईएमडी के जो हैं 6 रीजनल मेट्रोपॉलिटिकल सेंटर हैं, है ना, कौन कौन से हैं, वो हैं मुंबई है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, कलकत्ता है, नागपुर है, और एक है गुवाहाटी। ये हमें पता होना चाहिए कि 6 कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ये रीजनल भी है और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। और नोडल मिनिस्ट्री अगर इसकी देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये पूछा है। देखो भीतरकनिका उड़ीसा, आपको पता होगा भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो क्या वहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, है ना, ये पूछा है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, क्या यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। तीसरा है अराविकुलम जो कि केरला में है, क्या यहाँ पर हुलॉक गिबन्स पाए जाते हैं, या ऑल ऑफ द अबव सही हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है,
ये बिल्कुल सही है कि भितरकनिका उड़ीसा में है और वहीं पर सॉल्ट वाटर वाले माने खारे पानी वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। जी हाँ, वो भितरकनिका में ही पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण या बाद भारतीय तिलोर पाए जाते। ये भारतीय तिलोर है ये, ठीक है, ये गलत हो गया, ये भारतीय तिलोर बोलते हैं ऐसे। अच्छा, तीसरा है अराविकुलम जो कि केरला में है, क्या यहाँ पर हुलॉक गिबन पाए जाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हुलॉक गिबन यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, इनकरेक्ट हमें बताना था, तो इनकरेक्ट हमारा आ गया सी। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि असम में, आपको पता होगा असम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर इधर की तरफ हमारा असम पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असम में जो गिबन्स हैं, है ना, यही हुलॉक गिबन्स जो हैं, इनके लिए एक क्या बनाया जा रहा है, कैनोपी ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। कैनोपी ब्रिजेस क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं इस वाले एरियाज़ में, ठीक है। अब उन घने जंगलों में से क्या हो गया, रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं। अब रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं और यहाँ आसपास क्या है, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर इन वाले जो बंदर हैं, ये बंदर होते हैं एक तरह के, तो इन बंदरों की बहुत आबादी रहती है। अब रेलवे ट्रैक तो बिछा दिए, लेकिन कुछ और इंतज़ाम नहीं किए कि ये लोग जो है इनके एक्सीडेंट्स ना हो, तो इनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लग गए यहाँ पर, है ना, रेलवे ट्रैक के नीचे, ये रेलवे के नीचे, रेल के नीचे आने लग गए। तो अभी सरकार ने क्या करा है कि यहाँ पर कैनोपी ब्रिजेस बनाए हैं, यानी कि ऊपर ही ऊपर, है ना, ऊपर से ही क्या है, इनकी टहनियाँ ऐसे इंतज़ाम करे हैं कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में यहीं से ग्रीनरी में से ही उछल उछल के जो है एक ऊपर से एक ब्रिज में से ही ये लोग अपने रास्ता को क्रॉस कर लें, नीचे ज़मीन से क्रॉस ना करें, जिससे कि इनके एक्सीडेंट्स ना हो। तो बस यही एक खबर थी कि यहाँ पर कैनोपी ब्रिजेस बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, असम में बनाए गए हैं। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ना गिबन्स के जो हुलॉक गिबन्स हैं उनके बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश में हुलॉक गिबन्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है। तो बस वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। और अगर देखें तो हुलॉक गिबन, इसको मिटा लेते हैं, हुलॉक गिबन जो है ये ओनली एप है, पहला पॉइंट तो ये है, अकेला एक ऐसा एप है जो कि हमारे भारत में पाया जाता है, ठीक है ना। भारत के साथ साथ ये बांग्लादेश, ठीक है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, म्यांमार हो गया, और साउथ वेस्ट चाइना, ये इन देशों में पाया जाता है हुलॉक गिबन जो है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। और अगर इसमें से IUCN क्या है, अपनी रेड लिस्ट जारी करता है, इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा जो जानवर है वो कैसी स्थिति में है, तो जो हुलॉक गिबन है ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में यहाँ पर ये आता है, ठीक है ना, किस में आता है ये, एंडेंजर्ड वाली में। अच्छा, इसके ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेस्टर्न हुलॉक, एक होता है ईस्टर्न हुलॉक। तो जो वेस्टर्न हुलॉक है वो एंडेंजर्ड में आता है, और जो ईस्टर्न वाला है, वाला पार्ट में पाया जाता है, ये वल्नरेबल में होता है। तो इसके यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस करा कि ये नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है, वो भी स्पेशली किस में पाया जा रहा है, असम में पाया जा रहा है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन था कि ये केरला अराविकुलम में पाया जाता है, तो ये गलत है, ये यहाँ नहीं पाया जाता, ये साउथ इंडिया में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में पाया जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंटेन 80-95% ऑफ द कार्बन कंटेंट, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा 80-95% होती है, ठीक है ना, एंथ्रेसाइट में, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, और पीट में होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंथ्रेसाइट में होती है। ठीक है, एंथ्रेसाइट आपको पता होगा, हमारे यहाँ का बेस्ट क्वालिटी का कोल एंथ्रेसाइट को ही बोला जाता है। और बेस्ट क्वालिटी का कोल किसे बोला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होगी कार्बन की, तो बस इसी के अंदर कार्बन की मात्रा 80-95% तक होती है।
विटामिनस की अगर बात करें तो वह 60-80% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और लिग्नाइट अगर देखें तो लिग्नाइट में 40-55% कार्बन होता है, और पीट अगर देखें तो इसमें 40% से कम होता है। क्या होता है? कम कार्बन कंटेंट। तो बस जिस भी कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा वो बेस्ट क्वालिटी का कार्बन जो है वो कहलाया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही था बस, ठीक है ना। अब देखो, अब ये खबर में क्यों था, ये खबर में बस न्यूज़ में यही आया था कि जो हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है वो किस ग्रेड का कोयला प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने तरह के कोयले हैं, है ना, ये सब पता होना चाहिए। अब देखो, आपको ये पता होगा कि जो कोयला होता है, कोयला जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, वो आपको पता है ना, क्या है, एक फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है। और इसी कोयलों को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और अगर लीडिंग प्रोड्यूसर देखा जाए पूरे विश्व में तो नंबर वन पे चाइना आता है, ठीक है, फिर आता है US आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर इंडोनेशिया, और फिर हमारा आता है इंडिया, ठीक है, फिर हमारा आता है इंडिया। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये चार कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करा गया है। कौन कौन से है वो चार कैटेगरी? वो है एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि इनको चार कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, इनको क्लासीफाई करा गया है अकॉर्डिंग टू द इनके जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन की मात्रा कितनी है उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एडीज, ये इजिप्टी आएगा, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत ठीक कर लेना, एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो कौन सा है? जीका है, डेंगू है, चिकनगुनिया है या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर है सारे ही हैं, ठीक है, सारे ही जो डिजीज हैं, रोग हैं, वो एडीज इजिप्टी जो मच्छर है उसके द्वारा फैलाया जाता है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि जो जीका वायरस जिन जिन लोगों को हुआ है ना, जिन लोगों को जीका वायरस वाला रोग लगा है, जीका वायरस से इन्फेक्शन लगा है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल हैं कि उनको डेंगू के भी सिम्टम पाए गए हैं। तो बस ये खबर थी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जीका वायरस जो है, जीका वायरस डिजीज़ किससे होती है। तो देखो, पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया कि ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होती है, ठीक है, कहाँ से होती है, एडीज इजिप्टी। और इसी, ये जो मच्छर है, एडीज इजिप्टी वाला जो मच्छर है, इसी से डेंगू हो रहा है, इसी से चिकनगुनिया हो रहा है, और इसी से येलो फीवर भी हो रहा है। यहाँ पर एक येलो फीवर और ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर येलो फीवर भी इसी एडीज इजिप्टी से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम में आने वाले कि हाँ, मच्छर एक ही है और यहाँ पर जो है, जो रोग, जो बीमारी है वो चार चार हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन बच्चों को ज़रूर बताइए जिन्हें ऐसे डेली करंट अफेयर के MCQs जो हैं वो करने हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।